नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। नारकोटिक्स विभाग इंदौर की टीम ने उड़ीसा से गांजे की बड़ी खेप को लेकर आ रहे तीन लोगों को देवास के महात्मा गांधी बस स्टैंड से पकड़ा है। गांजे की खेप उड़ीसा से बदनावर जाना थी। नारकोटिक्स की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लोग उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर आ रहे हैं। दोनों लोगों ने बदनावर का व्यक्ति गांजे की खेप देवास बस स्टैंड पर लेगा, लेकिन तीन लोग नारकोटिक्स विभाग के हत्थे चढ़ गए। दरअसल नारकोटिक्स विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से बदनावर एक बड़ी गांजे की खेप जा रही है। उड़ीसा से बस ने प्रशांत पिता सुदाम कुमार नायक उम्र 45 वर्ष और मदन पिता निरंजन उम्र 32 वर्ष दोनों निवासी कंधामल उड़ीसा कार्टून बैग झोले और बोरी में लेकर आ रहे हैं। दोनों लोग देवास में गोविंद लाल पिता कन्हैया लाल उम्र 40 निवासी बदनावर इस गांजे को देवास के महात्मा गांधी बस स्टैंड पर लेगा, जिस पर नारकोटिक्स विभाग की इंदौर टीम के चार अधिकारी और पांच इंस्पेक्टर देवास बस स्टैंड पहुंचे। बस स्टैंड से नारकोटिक्स की टीम ने तीनों को गांजे के साथ पकड़ा और कोतवाली थाने लाकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि गांजा करीब 20 से 25 किलो है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए के करीब है। नारकोटिक्स की टीम तीन लोगों को इंदौर लेकर गई है। शुक्रवार को तीनों को देवास न्यायालय में पेश किया जाएगा। नारकोटिक्स की टीम में चार अधिकारी और पांच इंस्पेक्टर शामिल थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।